मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। जीएसटी में रिसेंटली काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। आज हम उन सभी चेंजेस को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं ताकि कोई भी ऐसा चेंज जो आपको परेशान कर सके या फिर जो आप इग्नोर कर दें जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, तो आपके लिए यह लेटेस्ट अपडेट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कि सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया है, 10 जनवरी 2020 तक आप अपनी GSTR 1 फाइल कर दें। अगर आपने जुलाई 2017 से लेकर नवंबर 2019 के लिए अपनी GSTR 1 फाइल नहीं की है, टैक्स पेयर्स हु वर अनेबल टू फाइल देयर GSTR 1 फॉर एनी पीरियड बिटवीन जुलाई 17 टू नवंबर 19 कैन फाइल देयर GSTR 1 बाई 10th of January 2020 विदाउट लेट फीस। लेट फीस हैज़ बीन वेव्ड फॉर सच लेट फाइलिंग। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक भी अगर अपनी GSTR 1 फाइल नहीं की है, कर दीजिए। 10 जनवरी 2020 लास्ट डेट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक GSTR 1 फाइल नहीं की है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लिमिट लगा दी गई थी 20% की, और GST काउंसिल ने इस लिमिट को भी 20% से 10% कर दिया है, और यह चेंज 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है। तो अगर आप दिसंबर 2019 के लिए जब GSTR 3B फाइल करें, तो ध्यान रखें आपको 10% तक का ही प्रोविजनल ITC क्लेम करने दिया जाएगा। प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिट हैज़ बीन डिक्रीज्ड टू 10% फ्रॉम 20%। नाउ ITC इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ ITC ऑन मैच्ड डॉक्यूमेंट्स बुक्स एंड GSTR 2A कैन बी क्लेम्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस। तो जितना आपका GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्रेडिट आपको मिलेगा, प्लस उसका 10% क्रेडिट आपको उस क्रेडिट के लिए दिया जाएगा जो आपका GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसा कि कहा जा रहा था कि GSTR 3B अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपको ईवे बिल जनरेट करने नहीं दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग अब GSTR 1 को भी ईवे बिल से कनेक्ट कर दिया गया है। अगर आप 2 सक्सीडिंग टैक्स पीरियड्स के लिए GSTR 1 फाइल नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको ईवे बिल जनरेट करने नहीं दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स हु विल नॉट फाइल GSTR 1 फॉर 2 सक्सीडिंग टैक्स पीरियड्स विल नॉट बी एलिजिबल टू जनरेट ईवे बिल्स, दैट इज नॉन फाइलिंग विल रिजल्ट इन ब्लॉकेज ऑफ ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी। तो अगर आप 3B या GSTR 1 दोनों में से कोई भी एक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको ईवे बिल जनरेट करने नहीं दिया जाएगा। तो दोनों ही रिटर्न अब आपको रेगुलरली फाइल करनी होंगी। अगर आपने 2 महीने के लिए लगातार कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है तो ऐसे में आपको GSTR 1 जनरेट करने नहीं दिया जाएगा। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 9 एंड 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31st of January 2020। तो एक बार फिर GSTR 9 और GSTR 9C की जो डेट है वो बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी गई थी। तो ध्यान रखें 31 जनवरी 2020 तक आप अपनी GSTR 9 और 9C दोनों ही फाइल कर लें, अदरवाइज आगे अगर डेट एक्सटेंड नहीं की गई तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। उसके बाद स्कीमा फॉर ई इन्वॉइसिंग हैज़ बीन नोटिफाइड। तो ई इन्वॉइस जनरेट करने की जो बात की जा रही थी उसके लिए जो यूटिलिटी है, जो स्कीमा है, वो नोटिफाई कर दी गई है। उसके बाद कमिश्नर हैज़ बीन एम्पावर्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल टू एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ट्रांस 1 अप टू 31st March 2020 ऑफ टैक्स पेयर्स हु कुड नॉट फाइल ट्रांस 1 ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस। तो यहाँ पर कमिश्नर को पावर दे दी गई थी, अगर टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ लोग ट्रांस 1 फाइल नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में वो लोग 31 मार्च 2020 तक अपनी ट्रांस 1 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट टू ऑप्ट फॉर सबका विकास लिगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2019 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 15th of January 2020। तो जो सबका विकास स्कीम 2019 लॉन्च की गई थी अब वो 15 जनवरी 2020 तक एक्सटेंड
कर दी गई है। तो ऐसे में अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी 2020 तक फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई थी। टैक्स पेयर्स अदर देन कॉरपोरेट टैक्स पेयर्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज्ड एंड नॉट चार्जिंग 12% GST रेट ऑन देयर आउटवर्ड सप्लाईज विद लिमिटेड ITC आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे GST ऑन मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज टू कॉरपोरेट्स। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज लगा दिया गया था उन लोगों पर जो लोग कॉरपोरेट टैक्स पेयर्स नहीं हैं और वो मोटर व्हीकल रेंट पर दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है, जो वो कंसिडरेशन जो वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल का भी प्राइस इंक्लूडिंग है और वो लोग 12% चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग जो 5% चार्ज कर रहे हैं, अब वो अगर कॉरपोरेट्स को ये सर्विस देंगे तो वो 5% भी चार्ज नहीं करेंगे। अंडर रिवर्स चार्ज कॉरपोरेट्स अब उस पर टैक्स जमा कराएगा। सच सर्विसेज शैल बी गवर्न्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM एंड कॉरपोरेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर RCM ऑन सच सर्विसेज। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, नॉन कॉरपोरेट टैक्स पेयर। नॉन कॉरपोरेट टैक्स पेयर जब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, कॉरपोरेट को, तो ऐसे में अगर वो 12% चार्ज नहीं कर रहा है तो उसको टैक्स चार्ज ही नहीं करना है। अगर वो 12% चार्ज कर रहा है तो वो 12% चार्ज करेगा, अदरवाइज अगर वो 12% चार्ज नहीं कर रहा है तो वह टैक्स ही चार्ज नहीं करेगा। ऐसे में जो कॉरपोरेट्स है वो अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस उस पर टैक्स पे करेंगे। तो ये वो बड़े चेंजेस थे जो हमने रिसेंटली देखे थे और अगर आपने इनमें से अभी भी कोई भी इग्नोर किया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर आपने GSTR 1 फाइल नहीं की तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अगर आप 10% से ज़्यादा ITC क्लेम करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। अगर आप GSTR 1 फाइल नहीं करते हैं 2 टैक्स पीरियड्स के लिए तो आपको ईवी बिल जनरेट करने नहीं दिया जाएगा। अगर आपने Trans 1 फाइल नहीं किया था टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से तो ऐसे में आप कमिश्नर को रिक्वेस्ट करके Trans 1 फाइल कर सकते हैं। सबका विकास स्कीम अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो 15 जनवरी 2020 तक आप ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप नॉन कॉरपोरेट टैक्स पेयर है तो ऐसे में अगर आप कॉरपोरेट को ये सर्विस देते हैं और आप 12% रेट ऑफ टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, उस पर अंडर RCM कॉरपोरेट्स को ही टैक्स पे करना होगा। तो आई होप ये सभी लेटेस्ट चेंजेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट